आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम ही बोलते रहते हो, उसका सॉल्यूशन में नहीं आते बताए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम ही बोल रहे हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सॉल्यूशन पे आओ, सॉल्यूशन की तरफ फोकस करो। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, मैं परेशान हूँ, तो इससे आप क्या कर रहे हो? इससे इस प्रॉब्लम को आप और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो, आप अपने आप को और भी ज्यादा परेशानी में डाल रहे हो। लेकिन मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके आना चाहता हूँ, उसका सोल्यूशन पर आओ। आज मैं आपको उसका सोल्यूशन पर लेके आऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपकी स्टैमिना ठीक होगी कैसे। इस वीडियो को आप पूरा देख लिया अगर ना, तो आपको मुझे नहीं लगता कि और टिप्स वगैरह जानने की जरूरत पड़ेगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहूंगा कि अगर आपके फैमिली में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, और मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एलोपैथी दवाई ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक पर्सनल सजेस्ट करना चाहूंगा कि नेचुरल वे है जिससे बीमारी से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा नेचुरल वे है जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैं आपको डिटेल समझा दूंगा कि वो क्या क्या तरीके आप क्या क्या कर सकते हो। नेचुरल बिना दवाई से आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। स्टैमरिंग को ओवरकम करना है यार, कब तक झेलोगे इसको? कब तक आप इस प्रॉब्लम को फेस करते रहोगे? आज हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। बहुत वीडियो देख लिया आपने, बहुत सारे लोगों को फॉलो कर लिए, बहुत टिप्स भी देख लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बस इस चीज को फॉलो करना। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एक आपको ठानना पड़ेगा यार, एक माइंडसेट बनाना है कि मुझे स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। अगर आप ये सोचोगे कि स्टैमरिंग ठीक होगी या नहीं, ये गारंटेड है स्टैमरिंग ठीक होगी, मैं तो गारंटी देता हूँ स्टैमरिंग ठीक होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जो भी मेरे स्टूडेंट है मैं उनको यही बोलता हूँ कि स्टैमरिंग ठीक होगी, ये गारंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है 1% भी। आप सबको मैं यही बोलूंगा, तो स्टैमरिंग ये आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई आपका फिजिकली प्रॉब्लम है ही नहीं कि आप मेडिसिन लोगे, मेडिसिन काम करेगा या नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आपका कोई बॉडी पार्ट के ऊपर मेडिसिन जाकर काम नहीं करेगा, आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा जो आपके ऊपर है, तो आपका मेहनत के ऊपर ही जब ये चीज है तो फिर स्टैमरिंग क्यों ठीक नहीं होगी? अगर ठीक नहीं हो रही है ना, तो वो सिर्फ आपके वजह से, आपका लापरवाही की वजह से, आपका आप निग्लेक्ट कर रहे हो उस चीज को, आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज को। आप चाहते ना तो आप प्रॉब्लम से बाहर आ सकते थे। सोच करके देखो, आज से 6 महीना पहले या 1 साल पहले आपने यूट्यूब में इसका सोल्यूशन देने के लिए आए थे, लेकिन क्या अभी भी आप स्टैंडिंग कर रहे? तो क्यों आपने एक्शन स्टार्ट नहीं किया, क्यों आपने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया? चलो आज मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन। देखो, आज मैं आपको कॉमन सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि हर कोई अप्लाई कर सके, कोई भी स्टैंडिंग टाइप, चाहे पैसा भी हो, लेकिन आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% इसको ठीक कर लोगे या 100% आप इससे बाहर आ जाओगे। हाँ, आप काफी हद तक कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि आप अकेले इस चीज को कर रहे हो, है ना, काफी आपको टाइम भी लगेगा थोड़ा। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, तो उसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपका कि कैसे ठीक होगा नहीं होगा, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि आप एक्शन कैसे लेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना। एक्शन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको 2-3 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। 2-3 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, और 2-3 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट बताऊंगा आपको जो आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद एक्शन स्टार्ट करेंगे। और 3 पॉइंट के ऊपर अगर आपने काम कर लिया, 3 पॉइंट अगर आपने सही से मायने बिठा लिया, एक्शन से रिजल्ट आपको मिलेगा।
पहले आपको चाहिए एक स्ट्रांग माइंडसेट। स्ट्रांग माइंडसेट बोले तो आपको ये ठानना पड़ेगा कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट करूंगा। आप कोई भी सिचुएशन में हो, आज से आप एक्शन स्टार्ट करोगे। अगर आप कल से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए, अभी के अभी स्टार्ट करना है, और तब तक नहीं रुकना जब तक स्टैमिना खत्म ना हो जाए। ये कमिटमेंट खुद से करना है कि तब तक मैं नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने स्टैमिनिंग से खुली बाहर ना आ जाऊं, तब तक मैं अफोर्ड करूंगा, तब तक मैं मेहनत करूंगा। टाइम निकलना पड़ेगा आपको, टाइम निकलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। भैया मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टैमिनिंग फ्री लाइफ जीना चाहते हो, कुछ दिन टाइम निकाल लो। आप इतना मतलब आप जीत जीत हासिल करना चाहते हो और टाइम भी नहीं निकालना चाहते हो, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, ऐसे टाइम निकालना पड़ेगा। कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करना है, लगातार कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करना है। ये पहले ही आपके दिमाग में डाल दो, आपको 5 दिन में ही रिजल्ट नहीं आ जाएगा। अकेले प्रैक्टिस करोगे तो गलती करोगे, आपको कोई मेंटर नहीं है आपका। तो कहने कि आप आपको थोड़ा पैशन रखना है, पैशन रखना है आपके अंदर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है, पॉजिटिविटी रखना अपने अंदर। तो 3 चीज आपके दिमाग में डाल दो अभी, उसके बाद आप एक्शन स्टार्ट करना है। एक्शन कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या एक्शन होगा आपका, क्या क्या चीजें करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, पहले आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ, रिलैक्स होकर बैठ जाओ एक जगह पर। और जो भी आपका टेंशन है, जो भी आपका प्रेशर है, जो भी आपका लाइफ डेली लाइफ में जो भी आपका काम है, वो सब एक साइड में कर दो, एक साइड में कर दो, और बिल्कुल फ्री हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, और 5 बार डीप ब्रीदिंग करो। इस तरीके से 5 बार डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाएगा, आपका बॉडी हल्का होगा। जो भी आप वर्ड बाहर निकालें, उसमें एक फ्लो आएगा, और उस फ्लो को जो मैं आगे टेक्निक बताऊंगा उसमें आपको मदद करेगा ये ब्रीदिंग। अभी ब्रीदिंग करते वक्त बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैं नाक से लेना है या मुंह से, मैं नाक से लेना है या मुंह से। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको दोनों तरफ से लेना है, मुंह को खुला रखना है, बस मुंह को खुला रख के सांस लेना है, नाक से ऑटोमेटिक जाएगा। मुंह को खुला रखना है, मुंह से सांस जाना चाहिए आपको। अब ये हो गया आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब एक चीज आपको करना है नेक्स्ट, वो है आर्टिकुलेशन। 5 बार आपने ब्रीदिंग कर ली, अब आपको आर्टिकुलेशन करना है। आपका जो माउथ है, लिप है, उसको एक्सपैंड करना है, थोड़ा उनको फैलाना है, आ ई ओ इस तरीके से। ये 3 चीज आपको करना है, आ ई ओ जितना हो सके, थोड़ा प्रेशर देकर आ ई ओ। ये चीजें आप 5-7 बार आप ये चीज करो। आर्टिकुलेशन के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा एयर फ्लो टेक्निक, जिसके बारे में इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था। एयर फ्लो टेक्निक बहुत ही शानदार टेक्निक है, यह आपका वर्ड को प्रॉपर तरीके से बाहर निकलने के लिए मदद करेगा, बिना स्टैमरिंग किए हुए वर्ड को बाहर निकलने के लिए मदद करेगा। इसका आपको प्रैक्टिस करना है घर के अंदर। आप ये माइंड में आप मत बिठाओ कि हम बाहर कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब चीजें, ये सब चीज आपको नहीं सोचना है। आपको घर के अंदर प्रैक्टिस करना है, कैसे? सांस अंदर लेना है, सांस को छोड़ते वक्त वर्ड को सांस के साथ साथ बाहर करना है, इस तरीके से। मेरा नाम वसीम है। फर्स्ट डे आप सिंगल सिंगल वर्ड का प्रैक्टिस करो, सेकंड डे आप एक सांस में दो दो वर्ड आप ले सकते हो, ठीक है? सांस के साथ ये बाहर आना चाहिए वर्ड प्रॉपर तरीके, इसका प्रैक्टिस करो घर के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा अभी कि आप बाहर जाओ, लोगों के सामने ऐसे बात करो, आप
स्टार्टिंग में लोगों के सामने अप्लाई नहीं कर पाओगे, होगा नहीं अप्लाई, क्योंकि देखो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा और अप्लाई नहीं होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको रियल लाइफ में फेस करना पड़ेगा ना वो आपको बता दूं पहले, ताकि आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट ना चले। तो रियल लाइफ में आप जाके लोगों के सामने इस टेक्निक पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, हो नहीं पाएगा, आपको पहले इसको अकेले में प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करके जब आपका प्रैक्टिस किए हुए 4-5 दिन 7 दिन हो जाएगी, तो आपको देखो एक्सपेक्ट नहीं रखना कि हाँ आपको 5-7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन में, 10-12 दिन में जब आपको फर्क देखना स्टार्ट होगा, किसी का 7-8 दिन में 10 दिन में फर्क देखना स्टार्ट होगा, किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन में जाकर फर्क देखना स्टार्ट होगा, लेकिन ये फर्क दिखेगा आपको, कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस आप घर के अंदर करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। और इस टेक्निक को आप पहले फोन कॉल में लोगों के सामने अप्लाई करने की कोशिश करो, तो आप आराम आराम से कर पाओगे। डायरेक्टली जब आप बाहर जाओगे तो आपका जल्दी रिलैक्स होकर वर्ड नहीं बोल पाओगे, बोल नहीं पाएगा स्टार्टिंग में, तो आपका जब 5-7 दिन 10 दिन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप सोचना कि हाँ ये हम बात इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे आपको इम्प्लीमेंट करना है बाहर, थोड़ा थोड़ा करके। पहले आप 5% अप्लाई कर पाओगे, पूरा का पूरा सांस के साथ वर्ड नहीं बोल पाओगे, फिर 10%, फिर 15%, फिर ऐसा धीरे धीरे करते करते ऐसा टाइम आएगा कि सांस में कंट्रोल आ जाएगा आपका, वर्ड में कंट्रोल आ जाएगा आपका, कहीं पर भी आप टेक्निक यूज कर लोगे सामने वाला व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, और स्टैंड से धीरे धीरे बाहर भी आ जाओगे। तो ये चीज आप करो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, चलो बता ही देता हूँ, बहुत सारे लोगों का ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज के लिए आपको क्या करना है, प्रोलोंगेशन टेक्निक को यूज करना है। प्रोलोंगेशन टेक्निक बोले तो आपका कोई भी वर्ड में स्टैमरिंग होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि का वर्ड में दिक्कत है, तो आपको बोलना है कश्मीर, मतलब का से आप 15-20 लेटर वर्ड आप लिख लो, और आप मान लो कि एक वर्ड है कश्मीर, तो आपको उसको कैसे प्रैक्टिस करना, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, यानी कि फर्स्ट लेटर को लंबा करके आपको बोलना, थोड़ा खींच कर बोलना है, प्रैक्टिस करना है, बार 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 प्रैक्टिस करो, एक वर्ड को आप 10 बार 12 बार 15 बार आप करो, और लगभग 10-15 वर्ड को तो आप ऐसा प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब जाके वो वर्ड आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है, और फिर आप रियल लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट कर पाओगे कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। ब्लॉकेज ब्लॉकेज चलो मैंने आपको बताया, ये एक तरीका हो गया, और भी काफी सारे तरीका है ब्लॉकेज का, लेकिन चलो मतलब मैं आपको ज्यादा टेक्निक देकर कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूँ जो हर कोई अप्लाई कर सके। अब देखो किसी का कोई भी प्रॉब्लम है वो इसमें कर सकते हैं, ज्यादातर लोगों का किसमें दिक्कत है, पा में मा में ता में दा में का में ट में डा में चा में छा में जम चा छा जम में कम होता है लोगों का, का में ज्यादा होता है, पा में ज्यादा होता है, ता था में तो में ज्यादा होता है, बस। अब इसको प्रैक्टिस करो, दबा के करो प्रैक्टिस, ठीक है, स्टैमरिंग ठीक करोगे यार, कब तक झेलोगे इसको। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उस फेस से गुजरा है, मैं भी उस सिचुएशन को मैंने भी फेस किया है, मुझे भी पता है कि यार अंदर क्या क्या चीज चलता है, कितना प्रेशर में आता होगा, मैं समझता हूँ ये चीज, बस लग जाओ आज से, और जिस दिन आप अपने स्टैमिन को ओवरकम करोगे ना, कमेंट पे आते हुए बताओ आपका स्टैटिक किस पे, मैंने स्टैमिना को ओवरकम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे ये बड़ा खुशी महसूस होगा कि नहीं मैं किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा। तो बस आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, और आप में से अगर किसी को ट्रेनिंग लेना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत ही कम खर्च में वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है आपको,
बस स्टैमरिंग को ओवरकम करो और एक शानदार लाइफ जियो। आपने अभी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मुझे भी लगे कि नहीं मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है मेरे वीडियो से। और कोई भी प्रॉब्लम है आपका जिसका सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, आपको लग रहा है कि नहीं बस में आपको मिलना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।